राम राम। हम शुभांगी तिवारी आप सभी जनन के बीच में बुंदेलखंड ट्रिपल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े। आज आप सभी जनन के बीच में मैम हैं अपने संगे सुष्मिता मैम, इनसे चर्चा कर रहे हैं कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में कैसे विचार बनो खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल करने को। तो मैम आपसे हम जो जानना चाह रहे हैं कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल खजुराहो में करने ऐसो कैसे विचार आओ। पहले तो सब जनन को हमारी तरफ से राम राम। अच्छा, आपका जो दूसरा सवाल है कि खजुराहो में ही क्यों, क्योंकि खजुराहो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक हेरिटेज विलेज है। तो बुंदेलखंड में इतनी सारी जगह है, पर अगर आपको बुंदेलखंड बाहर दिखाना है, शोकेस करना है, तो ऐसी जगह करें जहाँ पे कम से कम आने जाने की व्यवस्था हो, ट्रेन्स हो, प्लेन्स हो, यहाँ पे बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है और टूरिस्ट आते हैं। तो मकसद ये है फिल्म फेस्टिवल का कि आप अपनी स्टोरीज़ बाहर ले जाए और बाहर की स्टोरीज़ अंदर ले आए, तभी कम्युनिकेशन होता है, तभी एक कल्चर का आदान प्रदान होता है। तो इसलिए खजुराहो चुना गया कि क्योंकि खजुराहो में ये सब सुविधाएं हैं और यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, यहाँ के लोग बहुत सरल, बहुत अच्छे हैं, और इसलिए। अच्छा, खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल होता है तो खजुराहो के लोगों को इससे क्या बेनिफिट होता है? देखिए, कभी भी कोई भी इवेंट होता है कभी भी, तो उसमें आप सोचिए कि इकोनॉमी कितनी होती है। खजुराहो की सबसे बड़ी बेनिफिट ये होती है कि आपका मान सम्मान होता है। कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जब होता है आपकी जगह में, तो सबसे पहले आपका मान सम्मान होता है। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, यहाँ के आर्टिस्ट्स के लिए, यहाँ के आर्टिजन्स के लिए, शिल्पकार के लिए, पेंटर, म्यूजिशियन। अभी जो आप ये सारे पेंटिंग्स देख रहे हैं एक बुंदेलखंड के आर्टिस्ट ने बनाई है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तीसरी बात, आप जब कोई भी इवेंट करते हैं तो चाय वाला से लेके, टेंट वाला से लेके, शिल्पकार, होटल्स, गाड़ी, टूरिस्ट ट्रैवल, ये सबको रोज़गार मिलता है। तो अगर ये तीन चीज़ें, सम्मान, आपके लोकल टैलेंट की को एक प्लेटफॉर्म, और आपको इकोनॉमिकली आपको एम्प्लॉयमेंट, इससे तीन बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, और वो भी 7 दिन के अंदर होता है, पर पूरे साल भर इसकी तैयारी होती है। तो खजुराहो फिल्म फेस्टिवल खजुराहो में होता है, तो ये यहाँ का टैलेंट दिखाने का या कला करने का सिर्फ खजुराहो के लोगों को हक होता है, या ये सब जगह या बुंदेलखंड के लिए होता है, कहाँ के लिए होता है ये? एक्चुअली बुंदेलखंड के लिए, समस्त बुंदेलखंड के लिए है, और ये पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग आते हैं, यहाँ सारी जगह से आते हैं। और अगर आप कौशल हाट देखेंगे तो यहाँ पे सारे बुंदेलखंड के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे चुने गए कलाकार हैं, आर्टिजन्स हैं, हर जगह की जो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग शोकेस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खजुराहो है, खजुराहो तो है ही, और साथ में बुंदेलखंड की जो कलाएं हैं, विलुप्त कलाएं हैं, बुंदेलखंड की जो आर्टिस्ट्री है, आर्टिजन्स है, आर्टिस्ट्स है, फिल्म मेकर्स है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की एक प्रयास है। अच्छा, ये प्रयास बहुत अच्छा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल जो होता है, इसकी पब्लिसिटी कैसे हो पाती है, मतलब इसका प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा कैसे हो पाता है, यहाँ जनता कैसे इतनी ज़्यादा आ सकती है, किस तरीके से करती हैं आप? अच्छा, किस तरीके से, वो तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, आप यंग लोग हैं, आप देखिए आप मेरे साथ बात कर ही रही हैं। आजकल हमारे टाइम पे मुश्किल था, आप लोग अब सबके पास कैमरे होते हैं और सबके पास वायरलेस कॉर्डलेस होते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार करिए। और नॉर्मल जो तरीके होते हैं वो तो होते हैं, अब तो हम लोगों ने मोबाइल वैन्स भी किए हैं, सिर्फ टपरा टॉकीज़ ही नहीं, टपरा टॉकीज़ का कॉन्सेप्ट तो ये है कि अस्थाई थिएटर्स होते हैं, कि सिर्फ लोग बीच में क्या हो रहा था, सिर्फ कैमरा से जब अपने मोबाइल से पिक्चरें देखते थे, घटिया पिक्चरें देखते थे, अभी तो नेटफ्लिक्स आ गया, अमेज़ॉन आ गया, वर्ल्ड बहुत बड़ा हो गया, पर आप छोटे उसी में देखते हैं या तो अपने घर की टीवी में देखते हैं, और सबके पास बड़े LED होते नहीं है। तो ये जो है एक उत्सव है कि 7 दिन के लिए सब लोग मिले, एक बड़े से अस्थाई थिएटर में सब लोग मिल के बातें करें, बैठे, चने खाए, मूँगफली खाए, फिल्म के बारे में बात करें, देश विदेश की फिल्में देखें, एक दूसरे से बातें करें, घर से निकले, एक कम्युनिटी व्यूइंग होती है जो कम्युनिटी कल्चर को बहुत इन्हांस करती है। तो इस तरह से पब्लिसिटी होती है। बहुत अच्छा लगा मैम के साथ बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच। सब जनन को हमारी तरफ से राम राम।